दुनिया का सबसे बड़ा मजाक अगर कोई है तो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री। उसे ना भूगोल का ज्ञान है, उसे ना इतिहास का, उसे अपने बाप का ही नहीं पता हिंदी में, कि उसको तो मैं धोकर रख दूंगा। अच्छा, तो ये वो काम किया है इन्होंने, ये हमारा सब कुछ पोंछने पर लगे हैं, धोने पर लगे हैं, समाप्त करने पर लगे हैं। और असलियत यह है, ये एक ढोंग था, एक नाटक था, एक ड्रामा था, कि इस देश के सबसे अपनी जान खतरे में डालकर हमारी जान बचाने के लिए सबसे गंदे कामों को जो लोग अंजाम देते हैं, हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, वो उन चार लोगों के पैर धोने का ड्रामा किया गया। ड्रामा इसलिए किया गया कि मैं तो बड़ा आभारी हूँ इस सोशल मीडिया का, उसमें उन चार आदमियों की हकीकत आ गई। वो चारों आदमी ब्राह्मण है, एक दुबे है, एक मिश्रा है, एक द्विवेदी है, इस तरीके से वो चारों के चारों ब्राह्मण है वो, मगर ब्राह्मणों के पैर पूज रहे हैं और उनको सफाई कर्मचारी करके पूज रहे हैं। ये तो जनता के साथ सरासर धोखा है, धोखाधड़ी है, ये अब थपनी चाहिए। अब कब तक ये सब धोखाधड़ी चलेगी? अपने आप में एक मजाक बन गई है इस समय, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक अगर कोई है तो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री। उसे ना भूगोल का ज्ञान है, उसे ना इतिहास का, उसे अपने बाप का ही नहीं पता। वो जिस व्यक्ति को अपनी पार्टी के संस्थापक का ये पता नहीं कि वो गुजरात का था कि बंगाल का था, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। मगर इनकी संस्कृति ऐसी है कि जो चीज दुनिया में कहीं स्वीकार नहीं की जा सकती उसको ये महिमा मंडित कराते हैं, ये इनका कमाल है। लोग कहते हैं ना चीन को ब्रेन वॉश करने में बड़े तेज है, अरे मैं कहता हूँ चीन तो कुछ भी नहीं है, जितना ब्रेन वॉश करने का काम ये करते हैं इन्होंने। देखिए अब आप यहाँ पर भारतवर्ष में क्या चल रहा है इस समय, जो हमारा तबका है ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी, हमारा जो युवा वर्ग है वो सारा का सारा इनके काबू में इन्होंने कर लिया है, क्योंकि उनके पास वो तंत्र है। हमें पता नहीं काम कैसे होता है, समाज कैसे बनता है, उन्हें समाज बनाना भी आता है, समाज मिटाना भी आता है, तो वो इस काम में बड़े प्रवीण हैं। तो उन्होंने हमारे सारे बच्चे अपने काबू में किए हुए हैं और उन्हीं को काबू करके वो मुसलमानों के विरोध में एक माहौल बनाते हैं, मुसलमानों को पिटवाते हैं, मुसलमानों को लुटवाते हैं, मुसलमानों को जलवाते हैं, मुसलमानों को उनके साथ में सब तरीके की ज्यादती की जाती है। हमको लगता है मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, अत्याचार है भी, मगर असली मंशा उनका मुसलमानों को सताने के बहाने से ये हमारे समाज के बच्चों में गौरव भरते हैं झूठा, उनको मुसलमानों के खिलाफ बुलवा बुलवा कर उनको महिमा मंडित करते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनको पद प्रदान करते हैं, उनको पुरस्कार इनाम में देते हैं। इससे क्या हो रहा है? मुसलमान कौम तो बड़ी जागरूक है, अपनी भाषा के प्रति, अपनी लिपि के प्रति, अपने पहनावे के प्रति सब तरीके से वो तो जागरूक है, वो उनको तो फर्क पड़ता नहीं, मुसलमान पिटेगा भी तो वो अपने नाम नहीं बदल देते हैं। मगर हमारी स्थिति बड़ी खराब है, हमारे बच्चे वो इस चक्कर में फंस के अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं, अपने बाप का नाम भूलते जा रहे हैं, अपनी जाति का नाम खुले में लेते हुए डरने लगे हैं जी। तो ये जो स्थिति है, ये मोदी तो इसको और बिगाड़ेगा और इस हद तक बिगाड़ेगा कि वो बिगड़ाओ इसके वोटों में बदल जाए जी। तो आज ऊना में देखिए गौ हत्या के नाम पर चार हमारे बच्चों को मारा गया जी। उसकी रिपोर्ट आई, पुलिस की रिपोर्ट, कि वो बच्चे कौन थे जिन्होंने उनको मारा। आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब कि वो सारे लोग जिन्होंने उनको मारा वो सारे के सारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट थे। तो ये हमारा गला हमारे हाथ से कटवा रहे हैं जी। मोदी जी इस काम में बड़े तेज हैं, ब्रेन वॉशिंग ये कहते हैं चीन करते, ये कर रहे हैं ब्रेन वॉशिंग इन बच्चों को। इसलिए मैं कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ कि हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी है, किसके साथ उठते बैठते हैं, उनके दोस्तों का चरित्र क्या है, उनके दोस्तों का लक्ष्य क्या है। हम अपने बच्चों को अपनी विरासत जब नहीं बताते तो उसका नुकसान ये होता है कि वो अपने क्लास फेलो उनके कहने में आ जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।